हेलो दोस्तों, आज हम बैग जगाड और मैस जगाड में डिफरेंस सीखने के लिए जा रहे हैं। तो चलो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा सिंपल सा जगाड का डिजाइन 167। अगर आप डायरेक्ट नंबर, अच्छा चलो आज पहले हम आप लोगों को कुछ ये बताते हैं कि अगर ये आपका आईसीजे काम नहीं कर रहा है तो आप एडवांस टूल में जाके ऑप्शन में आप फ्लैट निटिंग मशीन पे आओ, इस पे एनेबल आईसी और आईसीजे कलर और एनेबल आईसी डैश आईजे कलर, इन दोनों को एनेबल कर लो। अगर ये एनेबल नहीं होगी तो आपका डिजाइन नहीं बनेगा। और दूसरा है कि जब आप प्रोसेस करने के लिए जाओ वहां पे जकार्ड में एक है आई जे कलर सपोर्ट रिवर्सेबल जकार्ड, ये बाद में मैं पढ़ाऊंगा पर आप इसको भी क्लिक कर लो। अब हम एक सिंपल सा डिजाइन बनाते हैं और कलर के लिए तो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था, आप पिछले वाले वीडियोस को देख सकते हो कि जो आईसीजे कलर है उसे कैसे चेंज किया जाता है। 168 नंबर ले लिया हमने, 167 और 168, 167 बस इन्हीं दो दो टू कलर जैकार्ड में पहले देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो ये वीडियोस जो हैं अभी स्टार्टिंग वाले, ये बिगनर्स के लिए हैं जिन्होंने जो बहुत अच्छे ढंग से अभी नहीं जानते हैं इस चीज को, धीरे धीरे हम एडवांस वीडियो की तरफ भी जाएंगे। हमने यहाँ पर पहले 10 नंबर लगा दिया, अब 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर पे हमने राइट क्लिक किया और टू कलर जैकार्ड में बैग जैकार्ड बनाया। पिछले वीडियो में मैंने बैग जैकार्ड तो सिखाया था आप लोगों को पर आज हम मैश जैकार्ड और बैग जैकार्ड में डिफरेंस देखेंगे। फिर इसको हमने कॉपी किया, उसके लिए सेलेक्ट किया, के दबाया, के शॉर्टकट की है मैट्रिक्स कॉपी का और इतने दूर ये बना लिया। अच्छा चलो पूरा ही बना देता हूँ, इसको पूरा बना दिया यहाँ तक और बीच में से हम ऊपर वाले को 18 नंबर कर देते हैं क्योंकि 18 नंबर है मैश जकार्ड। ये देखो यहाँ पर मैश जकार्ड, तो हम 18 नंबर यहाँ से कर देते हैं ऊपर तक। तो ऊपर के पोर्शन में हमारा मैश जैकार्ड बनेगा, नीचे के पोर्शन में बैग जैकार्ड बनेगा। अब इसको यहां जाके आई सी जे ऑटो सेट आई सी डैश आई जे मार्क ये कर दिया हमने और इसके बाद हम इसको पेज लगा देते हैं और प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस हो गया, अब इसका हम फैब्रिक व्यू देखते हैं या सिमुलेशन देखते हैं। हम इसको थोड़ा कलर कंट्रास्ट कर लेते हैं। ओके ये आ गया हमारा फैब्रिक व्यू, ये फ्रंट का है और ये आ गया बैक का। तो इसमें बैक में और फ्रंट में कोई डिफरेंस नहीं है बैग जैकार्ड में, टू कलर में जब हम बनाएंगे। आप टू कलर में बैग में फ्रंट में बना लो, बैक में बना लो, कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहे बैग जैकार्ड यूज करो चाहे मैश जैकार्ड यूज करो। अब इसमें हम तीसरा कलर ऐड करते हैं, वो 169 एक जगह पे ही डाल देते हैं, सफिशियंट है।
और यहाँ पे स्कीम चेंज कर देते हैं, 31 एफ एफ से फिलिंग होती है वो फिल कर दिया हमने। उसके बाद हमने पेज लगा दिया, अब क्योंकि तीसरा फीडर आ चुका है हमारा। ओके, अब हम इसको प्रोसेस कर देते हैं, ये कर दिया प्रोसेस। अच्छा, 3 नंबर वापस नहीं आ रहा है, 3 नंबर फीडर क्यों नहीं वापस आ रहा है, इसको देखते हैं हमने गलती कहाँ की है। ये 5 नंबर फीडर है, ठीक है, ये 100 को उसमें चला गया हमारा, ये भी ठीक है। 3 नंबर वापस, अच्छा ये रह गया हमारा 21, यहाँ एक रह गया, इसको हमें 31 करना है। अब प्रोसेस करते हैं इसको। ठीक है, अब हम इसकी फैब्रिक व्यू देखते हैं। ये फ्रंट व्यू है, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। ये बैक व्यू है, बैक में ये स्ट्राइप आ रहा है और यहां पे डॉट डॉट आ रहे हैं, बड़जाई आ रही है। तो ये डिफरेंस है आपका बैक जैकार्ड और मैस जैकार्ड में। जब आप 3 कलर में जाओगे तो बैक जैकार्ड आपको ऐसे दिखे, ये भी ट्यूबुलर रहेगा, ये भी ट्यूबुलर रहेगा, क्योंकि कलर वही चल रहे हैं इधर जो फ्रंट में नहीं चल रहे हैं। तो ये बनेगा तो ट्यूबुलर ही, पर देखने में ये ऐसा दिखेगा और देखने में ये ऐसा दिखेगा। इसके पीछे जो रीजन है वो है इनकी निटिंग का, निटिंग कैसे हो रहा है अगर उसको आप समझना चाहते हो तो चलो वो थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूं मैं, बैग जैकार्ड का निटिंग कैसे है। और ये सिर्फ कलर हम मान के चल रहे हैं, ये 3 नंबर है, ये 5 नंबर है। तो बैग जैकार्ड बनाने के लिए हमें केवल 2 रिपीट चाहिए। क्यों? अगर हमने यहाँ पर मान लो ये हमारा पहला कलर है, तो पहला कलर यहाँ नेट किया, यहाँ मिस किया, ये हमारा दूसरा कलर है, ने यहाँ नेट किया, यहाँ नेट किया। अब ये वाली लाइन पे एक कलर चल रहा है, इस लाइन पे दूसरा कलर चल रहा है और बैक जैकार्ड। तो यहाँ पर हमारे को बनाया हमने बैक, कलर ये 2 कलर में तो इन दोनों का स्कीम यही चलेगा, पर जहां हम आ जाते हैं 3 कलर में, तो 3 कलर में ये 2 का रिपीट चला जाएगा। ये पहला कलर के लिए रिपीट है, हम यहां पे बनाया ये 3 कलर हो गया, ये 3 कलर हो गया। पहले हम बना रहे हैं बैक जैकार्ड। बैक जैकार्ड में क्या होगा कि ये इस 2 कलर जो बच गए वो 2 स्ट्राइप के तौर पे जाने। तो ये पहला कलर मैंने मान लिया ये है, दूसरा कलर ये है और तीसरा कलर का ये है। तो ये दोनों कलर को अभी हम यहाँ पर मिस कर देते हैं, ये दूसरा कलर के लिए है और ये तीसरा कलर। आप ये समझो, ये देखो यहाँ पर हम 3 कलर भी कर देते हैं साइड पे, ये आ गया आपका 5 नंबर, 6 3 नंबर और इसको कर देते हैं 4 नंबर। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनती है वो देखो, आप यहाँ पे आया ये, तो ये यहाँ पे मिस किया और यहाँ पर इसने निट किया बैक साइड को, और ये वाला कलर यहाँ पे निट किया बैक साइड। अगले कोर्स में ये आया, अभी पहले ये निट किया था, तो ये वाले कोर्स में अब ये वाला जो है ये यहाँ निट कर दिया और ये वाला जो कलर है वो यहाँ निट कर दिया। अब इस कोर्स में आया तो ये वाला जो कलर है वो
स्टार्टिंग में नेट कर रहा है तो ये यहाँ नेट करेगा, और जो ये वाला कलर है वो यहाँ नेट कर दिया। तो अब बैक पे जो दिखेगी हमारे को ये दोनों कलर दिखेंगे, और इसके बाद फिर से यही कलर दिखेगा, तो एक स्ट्राइप बन जाएगी सीधी। ये देखो यहाँ पर पांच नंबर है, पांच नंबर ने यहाँ बैक पे नेट किया है, यहाँ बैक पे नेट किया है। तो अगर हम इस कलर के बैक में देखेंगे, मतलब तीन नंबर के बैक में देखेंगे, तो एक पांच नंबर दिखेगा और यहाँ पर हमें चार नंबर दिखेगा। फ्रंट में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन अगर हम आ जाएंगे मैश जैकार्ड में तो इसकी रिपीट डबल हो जाएगी। एक दो तीन, यहां पर आ जाएगा पांच नंबर, यहां आ जाएगा तीन नंबर और यहां आ जाएगा चार नंबर, डबल रिपीट हो गई। और ऊपर वाले रिपीट में ये एक्सचेंज कर लेगा, मतलब नौ नंबर यहां हो जाएगा और ये हट जाएगा, इस जगह पे नौ नंबर यहां हो जाएगा और ये हट जाएगा, इस जगह पे नौ नंबर यहां हो जाएगा और ये हट जाएगा। अब कैसे दिखेगा हमारे को वो देखो, यहां पे हमारा बैक पे नेट आ रही है और उसके बाद ये यहाँ पे आएगी नेट, ये वाली नेट यहाँ। अब ये देखो ये वाला नेट कर रहा है हमारा तीन नंबर, और तीन नंबर के बाद कौन सा नेट कर रहा है बैक पे, चार नंबर। तो ये अल्टरनेट हो गया, तीन के बाद चार, और यहां पर देखोगे तो चार के बाद तीन, तो तीन के बगल में चार आ जाएगा, तीन के ऊपर चार आ जाएगा और डायगनली तीन आ जाएगा, तो वो देखने में ऐसे दिखेगा, यानी वन बाई वन का रिपीट दिखेगा। तो आशा है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टेक्निकल। अगर ये चीज आपको लास्ट वाली नहीं समझ में आई है तो आगे वाले वीडियो में जब मैं डिटेल में इसकी निटिंग समझाना स्टार्ट करूंगा हर चकाट की, तब आपको ये क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।